हेलो फ्रेंड्स, मानी विशाल कुमार। आज हम आपको बताएँ हाउ टू विड्रॉल योर पीएफ। तो आप अपना पीएफ किस तरह से विड्रॉल कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। सिंपली आप अपने गूगल के अंदर पीएफ लॉगिन की वेबसाइट पे जाएंगे। सिंपली हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बैलेंस चेक करेंगे। ओके, तो बैलेंस चेक करने के लिए पीएफ की ये वेबसाइट है जिस पर बैलेंस चेक होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा दोनों वेबसाइट्स के। तो ओके, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली व्यू पासबुक, देन आपको टोटल बैलेंस हो रहा है 21,000 रुपीज़। ओके, तो लॉग आउट कर देंगे हम यहाँ से। देन अपनी फॉर्म फिलअप करने वाली वेबसाइट पे जाएंगे। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे यू एंड लॉग इन। यू एन लॉग इन की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आप अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉग इन करेंगे। देन कैप्चा फिल करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी पासवर्ड एंड यूज़र आईडी सेव है, सिंपली मुझे कैप्चा फिल करना है। तो कैप्चा फिल कर लिया मैंने, साइन इन पे क्लिक करूँगा। तो इसको लेटर कर देंगे। ये यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे अपना आप अकाउंट नंबर सेव करेंगे। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ पे वही अकाउंट नंबर डालेंगे जो आपने ऑलरेडी अपने अकाउंट के अंदर दिया हुआ है। ओके, सिंपली वेरीफाई कराएंगे तो ये चेक करेगा, यस करेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो ये हमें आगे का प्रोसेस करने के लिए सिंपली यहाँ पर हमको क्लिक करना है प्रोसीड पर। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो ओपन होगा। सिंपली आपको जो जो आपको डिटेल्स हैं, सिंपली फॉर्म 31 हमने लिया है। देन आप जिस कंपनी में काम करते हैं आपको वो सेलेक्ट करना, सिंपली किस रीज़न से आप पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं वो देंगे। तो यहाँ पे हम बीमारी का देते हैं क्योंकि बीमारी की वजह से पीएफ जो विड्रॉलमेंट है थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाता है। तो जैसे ही मैंने अमाउंट भरा है 15,000 रुपये, सिंपली यहाँ पे एम्प्लॉयर का एड्रेस आता है। जो भी एम्प्लॉय होगा उसका करंट एड्रेस आएगा जो आपने अपने पीएफ अकाउंट के अंदर दिया हुआ है, नहीं तो आप करंट जिस एड्रेस पर रहे हैं आप वो भी दे सकते हैं। तो सिंपली अब यहाँ पे आपको फाइल चूज़ कर रही है। ओके, फाइल चूज़ करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि फ़ाइल का साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फ़ाइल का साइज कंपेटिबल नहीं है, ओके, 100 KB से ऊपर और 500 KB के अंडर होना चाहिए तभी वो फाइल एक्सेप्ट करेगा, और JPG फॉर्मेट होना चाहिए या फिर। तो सिंपली हम इसे आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया, देन क्लिक करेंगे कैप्चर को, देन OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और इसमें आपका आधार कार्ड से आपका पीएफ डिटेक्ट होता है क्योंकि आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पे मैसेज आएगा। तो हम सिंपली OTP के लिए वेट करते हैं। इस वेबसाइट पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है, इस वजह से थोड़ी वेबसाइट स्लो रहती है। तो ओके, हमारे पास OTP आ चुका है। सिंपली यहाँ पर हम OTP डालेंगे। देन प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करते ही आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 1 मिनट लग सकता है। तो ये लीजिए, हमारा जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और सिंपली जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना फॉर्म निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए क्लिक हेयर लिखा हुआ है, सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म का प्रिंट है वो निकल आएगा। सिंपली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं एज यू विश, जो भी आपका ऑप्शन रहे। सिंपली इसे सेव कर लीजिए। तो सिंपली मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ।